रचना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए नई रेसिपी, वो है हमारी चकुंदर की कैंडी। और ये कैंडी उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए खासकर है जिनको पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि खून का स्राव ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं खून की कमी रह जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता, तो हम बड़े सस्ते में क्या करते हैं, अपने खून की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम चकुंदर की कैंडी बनाते हैं, नया तरीका है, खाने में बड़ी स्वादिष्ट है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको किस तरीके से हमने तैयार की है। तो देखिए, आज मैंने थोड़ी सी बनाई है, 10 मैंने लिए हैं आंवले और 2 लिए हैं चकुंदर। अब इनका प्रोसेस क्या है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक पतीले में मैंने पानी लिया, उसमें 10-12 जो भी आंवले मैं डाल देती हूँ और इनको बॉईल करने के लिए गैस पे रख देती हूँ। ये उबलते हैं जब तक हम चकुंदर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चकुंदर को हम अच्छे से छील लेंगे क्योंकि छिलका बड़ा हार्ड होता है, इसको आपको छीलना है और इसके पीसीज करके मिक्सी के जार में हम इसको डाल देंगे। छिलका है वो बड़ा हार्ड है, वो नहीं पिसेगा, तो इसलिए छील कर हमें चकुंदर को डालना पड़ेगा। थोड़ा पानी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसको मिक्सी को हमें चला लें। अब मिक्सी में जब ये एक पेस्ट बन जाएगा, फाइन सा पेस्ट बन जाएगा, तो इसको एक बड़े से बर्तन में हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पूरे को निकाल लेंगे। इतना पानी ऐड करना है कि जितने आंवले हमें इसमें डालने हैं वो अच्छे से क्या हो जाए, डिप हो जाए। दूसरी तरफ देखिए आंवले हमारे उबल रहे हैं, चेक कर लेते हैं उबले हैं कि नहीं। तो आंवले अभी प्रेस करो हाथ से, नहीं अभी थोड़े से टाइट है, तो मैं इनको 2 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब आंवले हमारे पक गए हैं और ठंडे करके अब हम क्या करेंगे, इसकी गुठलियों को अलग कर देंगे और आंवले की कली खिला लेंगे। लेकिन ठंडे होने पे ही करें, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। अब देखिए मुझे पूरे आंवले की गुठली अलग कर दिए और कली अलग कर लिए। अब इनको जो हमारा पेस्ट बना हुआ है चकुंदर का, उसमें डाल देंगे। अब इसको मीठा करने के लिए हमें थोड़ी सी इसमें शुगर डालनी है। हाँ, शुगर डालते समय ये ध्यान रखें चकुंदर कितना मीठा है। ज़्यादा मीठा है तो कम डाल दीजिए, कम मीठा है तो ज़्यादा डाल दीजिए। तो मैं नॉर्मल डाली है, तो मेरा चकुंदर ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा फीका था। अब इसको अच्छे से हम क्या करेंगे, चम्मच से हिला लेंगे। अब 2 दिन इसको ढक के रख देंगे, लेकिन हाँ बीच बीच में इसको चीनी को हिलाते जरूर रखना है। अब देखिए हमारी कैंडी ट्रांसपेरेंसी बने, चमकदार बने, इसके लिए हम इसमें 1/2 लेमन कर देते हैं, निचोड़ के डाल देते हैं। एक छन्नी में करिए ताकि बीज इसमें ना जाए, इससे कैंडी पर बड़ी शाइनिंग आएगी और ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं रहेगा, इसलिए इसमें नींबू डाला जाता है। अब हम इसको 2 दिन के लिए ढक कर घर में ही रख देते हैं, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। और 2 दिन बाद जब हम इसको देखेंगे तो देखिएगा ये हमारा इस तरीके से नज़र आता है। देखिए अच्छे से, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से देखा जाए हेल्थ के लिए बड़ा लाभदायक है। अब इसको हम एक छन्नी से एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, पानी पूरा का पूरा नीचे छोड़ देंगे और इसको हिला हिला कर निकाल लेंगे। हाँ ध्यान रहे, यहाँ पे पानी से आपको वॉश नहीं करना है, बस ये कलर वाला पानी है ये अलग कर देंगे। इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये बर्तन में निकालने के बाद ये पूर्ण रूप से मीठी हो गई है, कलरफुल हो गई है और हम इसको छाया में ही क्या करेंगे, सुखा लेंगे। इस पानी को हम लोग किसी में यूज कर सकते हैं, वो भी सोच के बताएंगे कि हम क्या करेंगे, क्या बनाना है घर में, उसी तरह से हम उसको यूज कर लेंगे। अब ये कैंडी देखिएगा, हम इस तरीके से इनको एक एक दाना अलग अलग करके बहुत बड़े से बर्तन में हम इनको सुखा लेंगे। चाहे आप पंखे के नीचे रखिए, चाहे घर में कहीं रखिए। अब देखिए 1 दिन यानी कि 24 घंटे सुखाने के बाद हमारी कैंडी इस तरीके से बनके तैयार हो गई। आप देख रहे हैं कितनी हेल्दी, कितनी शाइनिंग, कितनी कैंडी है। अब इनमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है, ये पूर्ण रूप से अब बिल्कुल क्या हो गई है, तैयार हो गई है। इस तरीके से आप भी आंवले से, चकुंदर से कैंडी बनाइएगा और बच्चों को खिलाइएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गर्जना